कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के छोटे भाई और कुख्यात बदमाश रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की को आज डीडवाना के ACJM न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान उसे डीडवाना में राजकार्य में बाधा और तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक IPS दीपक यादव से बदसलूकी के मामले में न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आगामी पेशी के आदेश दिए। पेशी के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और समूचे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया। आपको बता दें कि राजकार्य में बाधा का यह मामला साल 2017 का है। आरोप है कि कोर्ट में पेशी के दौरान रुपेंद्र पाल ने तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर दीपक यादव से बदसलूकी की थी। पेशी के लिए दौसा की जेल से रुपेंद्र पाल सिंह को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आया गया और फिर न्यायाधीश नीलम मीना के समक्ष पेश किया गया। इस दौरान रुपेंद्र पाल ने स्वयं को गवाह के रूप में पेश कर बयान दर्ज करवाए। इसके बाद न्यायाधीश ने आगामी पेशी के आदेश दिए। नागौर कोर्ट के बाहर कल गैंग वॉर और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस अलर्ट और सतर्क रही। विक्की की पेशी में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया। इसके लिए पूरे कोर्ट परिसर में पुलिस के सशस्त्र कमांडो और जवान तैनात किए गए। रुपेंद्र पाल सिंह की सुरक्षा में तैनात बुलेट प्रूफ जैकेट पहने कमांडो तैनात किए गए। इसके अलावा कोर्ट के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। गौरतलब है कि विक्की हार्डकोर बदमाश है। उस पर हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट, धमकाना जैसे एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज है।